खबर क्या है? पंजाब में आम आदमी पार्टी की सुनामी चली है, झाड़ू ने झाड़ू लगा दी है, आम आदमी पार्टी को 100 सीटें मिलने वाली हैं, 117 में से 100 सीटें आम आदमी पार्टी को और 17 सीटों पर बाकी दल निपटने वाले हैं। यह चौंकाने वाला आंकड़ा है, यह मुझे भी थोड़ा इंटरनलाइज करने में वक्त लगा है। यह राजनीतिक भूचाल आ जाएगा, सुनामी भी छोटा शब्द पड़ जाएगा, यह जलजला है रिक्टर स्केल पर, यह 6-7 का जलजला नहीं है, यह 13-14 की इंटेंसिटी वाला जलजला है। अगर यही आंकड़े अंतिम नतीजों में तब्दील हो जाते हैं, यह कुछ ऐसा हो रहा है जो दिल्ली में हुआ था, पहला चुनाव 2013 का 28 सीटें, लेकिन उसके बाद एक साल बाद जो चुनाव लड़ा और उसमें 67 सीटें ले आई थी आम आदमी पार्टी 70 में से, तो दिल्ली को दोहरा रही है क्या आम आदमी पार्टी? पंजाब में 117 में से 100 सीटें। ये आंकड़ा अपने आप में 85% मैंडेट, और पंजाब में पिछली बार कांग्रेस को 77 सीटें मिली थी, पर 100 का आंकड़ा तो विनोद शर्मा, ताजा इतिहास में पंजाब के आपको याद पड़ता है कि किसी पार्टी ने ऐसा प्रचंड बहुमत हासिल किया हो? नहीं किया, ये किया आज तक नहीं किया। पंजाब की जो रिओर्गनाइजेशन हुई थी पंजाब की, उसके बाद किसी ने नहीं किया, उससे पहले का मुझे ज्ञान नहीं है, लेकिन पंजाब की 45% वोट आम आदमी पार्टी के खाते में, उसके आधे कांग्रेस के पास, 23%, शिरोमणि अकाली दल 16%, बीजेपी कैप्टन अमरिंदर सिंह का गठबंधन 9%, अन्य के खाते में 7%।